लाइफ परिवार की तरफ से बच्चों को उत्साह वर्धन हेतु किड्स फैशन का आयोजन करवाया गया। इस कंपटीशन में ड्राइंग, क्विज, फैशन शो आदि कार्यक्रमों को रखा गया। जीते हुए बच्चों को सिटी लाइफ परिवार की ओर से दिए गए उपहार और साथ ही सिटी लाइफ परिवार के कार्यकर्ताओं ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की, जिसमें कुछ बच्चों ने ड्राइंग भी की और कुछ ने डांसिंग भी की। इस मौके पर रीजनल अधिकारी कृष्ण कुमार तिवारी, स्टोर मैनेजर सुशील अवस्थी, शिव शंकर और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। फतेहपुर से आकाश तिवारी की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय खटोली में निकाली गई जागरूकता रैली। रैली निकाल कई बिंदुओं में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही मंच के माध्यम से TSI आशीष सिंह ने बच्चों को अपने गार्जियन से हेलमेट लगाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने को कहा। बाल विकास परियोजना अधिकारी नलिनी वर्मा ने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश तिवारी की अगुवाई में विद्यालय परिसर में पेड़ लगाने का भी कार्यक्रम किया गया। पेड़ लगाकर बच्चों को पर्यावरण सुरक्षित रखने का भी पाठ पढ़ाया गया। फतेहपुर से आकाश तिवारी की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा के 6 बिंदु थे, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था स्कूल चलो अभियान। और इस महीने से 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का ये जो संपूर्ण मास है, हमें बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए सभी को प्रोत्साहित करना है, अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण पे भी हमारे चर्चा के बिंदु थे, पर्यावरण और जल संरक्षण, और साथ ही जो आजकल की गंभीर समस्या है ये सड़क सुरक्षा, जिसमें कि तमाम दुर्घटनाएं हो जाती हैं और जो हमारे जो समाज के लोग हैं वो अचानक ही काल के ग्रास में समा जाते हैं, तो उससे भी बचाव के बताने। तो बच्चों को क्या उद्देश्य देना चाहती हैं? बच्चों को यही कि वो अच्छे से पढ़ें, अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, ताकि और जल संचयन और पेड़ों का पेड़ लगाएं, ताकि हमें शुद्ध हवा मिल सके, निरोगी रहे, और जिससे कि हमारा देश और हमारा समाज आगे बढ़ सके। जालौन के जिला अधिकारी और बेसिक शिक्षा विभाग की अनूठी पहल देखने को मिली, जिसके अंतर्गत जिला अधिकारी जालौन डॉक्टर मन्नान अख्तर ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 20 बच्चियों को किशोरी शिक्षा समाधान योजना के अंतर्गत गोद लेकर उनके आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। 1 जुलाई को पूरे प्रदेश में गर्मियों की छुट्टी के बाद सारे स्कूल विधिवत खुल गए हैं और जालौन में बेसिक शिक्षा विभाग सारे स्कूलों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। इसी के तहत कोंच के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जिला अधिकारी जालौन डॉक्टर मन्नान अख्तर एवं PSA जालौन राजेश शाही और जिला विद्यालय निरीक्षक भगवत पटेल ने संयुक्त रूप से गोद ली हुई बच्चियों को विद्यालय आने जाने के लिए साइकिल, किताबें एवं यूनिफॉर्म भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई। इस पहल की जगह जगह प्रशंसा भी हो रही है, क्योंकि बच्चियों को पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक अच्छी योजना का संचालन किया जा रहा है। अगर कोई बच्ची पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है तो वो 2 परिवारों का नाम रोशन भी करती है। साथ ही इस दौरान विद्यालय प्रांगण में जिला अधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने वृक्षारोपण किया। उन्होंने विद्यालय के प्रांगण में कई पेड़ लगाए और उन्हें पानी देकर सींचा भी है। इस मौके पर उनके कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जालौन से पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग पिछले साल भी हमने 21 बच्चियों को गोद लिया था जो कस्तूरबा में क्लास 8 तक पढ़ाई करती हैं। उनके बाद हम लोग चाहते हैं कि वो एटलीस्ट क्लास 10 तक की डिग्री उनके पास रहे, ताकि वो जब भी बाहर जाएं तो उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोगों ने पिछले साल भी 20 बच्चियों को लिया था जो अब क्लास 10 में आ गई हैं, और इस साल भी हमने 20 बच्चियों को जो कस्तूरबा पढ़ रही थी उनको लिया है, जो अब क्लास 9 की पढ़ाई जो है यहाँ करेंगी। इसको हम लोग जो भी हमारा ट्रस्ट है, बेसिक एजुकेशन ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम इनका स्पॉन्सरशिप करेंगे, और हम कोशिश करते हैं कि जो आम पब्लिक है, सिटीज़न है, वो इन बच्चियों को अडॉप्ट करें, ताकि इनका जो 2 साल का खर्चा है वो उससे हो जाए। बाकी सुविधाएं जो है हम लोग गवर्नमेंट के अन्य माध्यम से और कस्तूरबा गांधी की जो सुविधाएं हैं उनको मर्ज करके हम लोग करवाते हैं। सर, वो बच्चियाँ जो 20 बच्चियाँ हैं वो कहाँ से, मतलब कौन से नगर से? नहीं, वो अलग अलग हमारे जितने कस्तूरबा गांधी हैं वहाँ क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर जो बच्चियाँ या तो पढ़ने में ब्रिलियंट है, या जो हमें पता है कि वो क्लास 8 के बाद अगर घर जाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसी बच्चियों को हमने 8 कस्तूरबा से चुना। सर, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो सिंपल है कि देखिए, बेटी को सिर्फ बचाना ही नहीं, बेटी को पढ़ाना भी है, और बेटी को आत्मनिर्भर भी बनाना है, ताकि भविष्य में जो है कोई भी जो है उनके रास्ते में जो है बाधा ना बन सके, और वो अपना जीवन जो है अपने स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जो है जी सके। जिलाधिकारी शामली अखिलेश सिंह व SP शामली ने खुली जीप से कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर जनपद बॉर्डर से शामली हरियाणा बॉर्डर तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान PWD, विद्युत और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान देखी गई समस्याओं के तुरंत निस्तारण के आदेश दिए। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक जनपद में निकलेगी कावड़ यात्रा। शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। आगामी 22 जुलाई से 31 जुलाई तक यहां पर कावड़ यात्रा रहेगी जनपद में। यात्रा में तैयारियां की जा रही है, तैयारियों की समीक्षा के लिए हम लोगों ने 2 बार इसमें समीक्षा किया है कप्तान साहब ने। मैंने तो जो जो सुरक्षा प्रबंध करने हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो व्यवस्था करनी है, PWD को व्यवस्था करनी है, नगर पालिकाओं को व्यवस्था करनी है साफ सफाई की, बिजली विभाग को जो तार कटे हुए हैं उनकी व्यवस्था करनी है, इन व्यवस्थाओं का स्थल पर निरीक्षण करने के लिए आज मैं कप्तान साहब और हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं सभी लोग हम पूरे मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण करके मौके पर ही जो समस्याएं आ रही हैं, जो व्यवस्थाएं हम लोग को करनी है उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि अब दिन प्रतिदिन के आधार पर जो भी फूल प्रूफ व्यवस्था हो वो हम लोग करा लें 10 जुलाई तक, ताकि हमारे जो कांवड़ यात्री हैं उनको कोई किसी तरह की असुविधा कोई कष्ट ना हो। सर, जो रास्तों में मीट की दुकानें लगी हुई हैं और कांवड़ यात्रा है तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके की सूचना आती है कि भाई बदतमीजी हो जाए या कांवड़िया गली है। इसी के लिए हम लोग खुली गाड़ी से आज निकले हुए हैं एक एक चीज़ खुद देखने के लिए, और अभी हम लोग पैदल भी भ्रमण करेंगे पूरे रास्ते का। तो इस तरह की जो भी अगर कोई शराब की दुकान है, कोई मीट की दुकान है या और भी कोई ऐसा बिंदु है जिससे कोई विवाद कोई अपनी स्थिति हो सकती है तो उसका समय रहते उस पर प्रभावी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। यूपी के रामपुर में प्रधानी के उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 6 जुलाई को मतदान होना है जिसके लिए ग्राम प्रधान प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है और प्रत्याशी घर घर जाकर वोट भी मांग रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी सारी तैयारी कर ली है। रामपुर में 2 ग्राम पंचायतों में उपचुनाव होना है जिसमें इन पंचायतों के ग्राम प्रधानों की किसी कारणवश मौत हो चुकी थी। इस वजह से जिला प्रशासन अब इन पंचायतों में उपचुनाव कराने के लिए सारी तैयारियां कर चुका है। मतदान 6 जुलाई को होगा और 8 जुलाई को नतीजे आने हैं। रामपुर की तहसील बिलासपुर क्षेत्र के नरखेड़ा गांव में चुनाव होना है तो वही रामपुर के ही मिलक क्षेत्र के हरसू नगला गांव में भी चुनाव प्रक्रिया होनी है जिसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में यह चुनाव होगा जिसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम का गठन भी किया गया है। बहरहाल अब प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। रामपुर से हारून अली की रिपोर्ट। गांव के लोग, गांव वाले वैसे ही बहुत खुश हैं। जब करनी का निशान मिला, यही करनी का निशान खास आपका था, यही निशान मुझे मिल गया है। तो लोग बहुत खुश हैं, लोग अपने आप वोट देने को तैयार हैं। माहौल कैसा है? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और किस तरीके मुद्दे लेके पहुंच रहे हैं गांव के लोगों के पास आप? मुद्दे क्या है आपके? मुद्दा तो साफ सफाई का है, मतलब सफाई कर्मी कभी नालियाँ साफ नहीं हुई अभी तक। हम नालियाँ साफ कराएंगे, फड़ंजे बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे और पिलसिले बनाएंगे। 60 साल पहले भी कैमल बनवाए थे और अब भी मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। 1 साल तो बचा है और 20-25-30 कॉलोनी तो बना ही दूंगा। और गरीबों के ही कॉलोनियां बनेंगी, मजदूरों के ही कॉलोनियां बनेगी, जिनके टूटे हुए घर है उन्हीं की कॉलोनी बनेगी, मोटे को किसी को ज्यादा नहीं। मेरा अनुरोध है कि ग्रामवासियों से कि अपना वोट समझ सोच कर डालें और कन्नी पे मोहर लगा कर जिताएं। यूपी के रामपुर में पुलिस द्वारा शहर में शुरू की गई नई ट्रैफिक व्यवस्था के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन से व्यवस्था में थोड़ा बदलाव करते हुए दोपहिया वाहन और ई रिक्शा को शहर में चलाए जाने की मांग की। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी के नेतृत्व में व्यापारी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, नई ट्रैफिक व्यवस्था से हो रही परेशानी को लेकर प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई। व्यापारियों का कहना था कि इस व्यवस्था से आम आदमी को दिक्कत हो रही है, महिलाओं और बुजुर्गों को पैदल बाजार जाना पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर व्यापारी वर्ग पर हुआ है। कारोबार चौपट हो गया है, दिन भर बाजारों में सन्नाटा रहा, कोई ग्राहक दुकानों पर नहीं आया। बाद में व्यापारियों ने SP से मिलकर ज्ञापन दिया। रामपुर से आरुण अली की रिपोर्ट। शहर में दुपहिया वाहन पर रोक लग गई थी, रिक्शाओं पर रोक लग गई थी। इस संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को 3 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था, तो दुपहिया वाहन सुचारू रूप से आवागमन उसका शुरू हो गया था। लेकिन आज की तारीख में जो है रिक्शाओं पर लेकर के पाबंदी है, ई रिक्शाएं बाजार के अंदर नहीं जा पा रही हैं, जिसको लेकर व्यापारी समाज परेशान है, रिक्शा वाले भी परेशान हैं, आम जनता परेशान है। लोग अपने डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं, बच्चियां ट्यूशन नहीं जा पा रही हैं, स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
इस बात को लेकर के हमने आज पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा और दो एक दिन के अंदर ही रिक्शाएं शहर के अंदर चलना शुरू हो जाएंगी। इस बात का पुख्ता आश्वासन उन्होंने दिया है कि व्यापारियों को और आम जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, रिक्शा वालों की समस्या का समाधान हो जाएगा। जय व्यापारी जय व्यापार। 4 साल के बच्चे की हत्या को तांत्रिक ने दिया था अंजाम। अपनी शक्तियों को बढ़ाने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तांत्रिक ने दी थी बच्चे की बलि। यूपी के बरेली में एक 4 साल के मासूम की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया। मासूम की हत्या गांव के ही तांत्रिक ने की थी। अपनी शक्तियों को बढ़ाने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तांत्रिक ने मासूम की बलि दी थी। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स एक मासूम का कातिल है। इसने ही फरीदपुर के पीपरथरा गांव में कृपाल के 4 साल के इकलौते बेटे राजकुमार की हत्या की थी। फरीदपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए सीओ रामानंद राय ने बताया कि आरोपी तांत्रिक है। 21 मई को उसको सपने में काली माँ दिखाई दी थी और उन्होंने बच्चों की बलि मांगी थी, जिसके बाद मंदिर से कुछ ही दूरी पर तांत्रिक ने बच्चों को अपने पास बुलाया और फिर उसके हाथ पैर बांध कर उसके ऊपर बैठ गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। सीओ ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बच्चे की बलि दी थी। बलि देने से काली माँ खुश होती है और उसको शक्तियाँ देती है। 23 मई की सुबह बच्चे का शव गांव में बने मंदिर से कुछ ही दूरी पर मिला था। उसके हाथ पर रस्सी से बंधे हुए थे और शव के पास तंत्र विद्या का सामान भी पड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और आरोपी को धर दबोचा। बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट। ग्राम पिपरथला निवासी कृपाल पुत्र कन्हैयालाल द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र जो था वो मंदिर के पास गया हुआ था और वहाँ से लापता हो गया। उन्होंने 24 तारीख को आकर रात में तो उन्होंने बूढ़े उसे 24 तारीख को आकर उन्होंने द्वारा बताया गया कि मेरा लड़का नहीं मिल रहा है, तो हल्का प्रभारी को तत्काल वहाँ भेजा गया और पुलिस अधीक्षक द्वारा भी मामला गंभीरता को देखते हुए SHO महोदय को भी बताया गया कि इसमें तुरंत कार्रवाई करना है। और काफ़ी ढूंढने पर लड़के की मंदिर के पास ही हाथ पैर बांध कर और उसे गले में कपड़ा था और उसकी इलाज मिली। इसे प्रतीत हो रहा था कोई तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग है, इसे ले गया है। तमाम आरोपी पकड़ा गया है। आरोपी के द्वारा क्या बताया गया है? आरोपी द्वारा बताया गया है कि वो लड़के जब वहाँ मंदिर पर खेल रहे थे तो उस लड़के को एक किनारे ले गया और उसको मोबाइल के जरिए अपना भ्रमित किया और बाद में उसका हाथ पैर बांध कर और उसके सीने पर उसने बैठ गया, जिससे लड़का 4 साल का था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये भी आरोपी कह रहा था कि मुझे काली माँ ने एक स्वप्न दिखाई थी कि आप तंत्र मंत्र करेंगे तो आपकी सिद्धि ज़्यादा होगी, तो इसी के प्रयत्न में उसने कार्य किया है और उसे घर में तांत्रिक की किताब भी मिली है। और इससे पहले भी वो 10-12 साल पहले भी एक लड़के को वो 4 साल का वो उठाकर गांव से ले गया था, जो गांव वालों काफ़ी प्रयास से लड़का शाहजहाँपुर में बरामद हो गया था और ये गांव छोड़कर भाग गया था। उसमें कोई गांव वाले कार्रवाई नहीं की, जिससे इसका मन काफ़ी बढ़ गया और फिर इसी कार्य में लगा हुआ। क्या तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए क्या उसकी बलि दी गई थी बच्चे की? बलि देने का ही प्रयत्न कर रहा था क्योंकि मौका उसको नहीं मिला। गांव के पास ही मंदिर था, आदमियों का आगमन था, उसके बताने के हिसाब से अभी 8-9 बजने का समय था और वो बच्चे को शांत कराने के लिए कि बच्चा वो कहीं चिल्लाए ना आदमी को देखकर, वो हाथ पर बांधा हुआ था उसे, अगर बच्चा नहीं चिल्लाता तो रात में ले जाकर उसको बलि शुगर हाउस देता। इसमें कोई सहायक भी है कि अकेला ही? अकेला है ये, जो भी काम किया है आपसे पहले भी, वो 4 साल का बच्चे को ले गया था, अकेले ही ले गया था। उससे अभी 2-3 साल पहले एक लड़की को ट्रॉफी देकर बाला फुसला कर ले जाने का प्रयत्न कर रहा था, तब तक वो उसका सफल नहीं हुआ। फिर कैसे करके हत्या की? और इसमें भी यही प्रयत्न उसका था, अगर वो सफल हो जाता तो उसका बलि हो जाता, क्योंकि तंत्र मंत्र वाले की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वो कहीं ना कहीं से बलि चढ़ाते हैं। इसका मतलब बलि देने से पहले ही हत्या कर दी गई? बलि देने से पहले वो लड़के को अपने पास रखा हुआ था और अभी 8-9 बजे का टाइम था। अब बच्चा हो सकता है, बच्चा जाने का प्रयत्न कर रहा हो, जब जाएंगे घर उसको कैसे वो रोकता, पहले उसका हाथ पैर बांधा हो और उसका मुंह और कपड़ा लगाया, अपना बच्चा रोने लगा तो सब हो सकता है कि उसके उसके जो चेस्ट पर अपना पैर घुटना रख दिया है, कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसके चेस्ट की हड्डी और उसके फेफड़े में फटा हुआ दिखाई दिया है। तो मुख्य सुराग क्या रहा जो आपने इसको पकड़ लिया? जब वहाँ उपस्थित जो बच्चे थे उन बच्चों से पूछताछ किया गया तो एक 9 साल का बच्चा जो था उसने बताया कि गुड्डू
हम नल पर पानी पीने गए थे तो गुड्डू के पास वो लड़का बैठा था और मोबाइल से कुछ उसको दिखा रहे थे। इसी आधार पर उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसकी सारी प्रक्रिया जो इससे पहले भी किया था अब भी किया है और तमाम साक्ष के द्वारा यही प्रतीत हुआ है कि इसी के द्वारा काम किया गया है। बरेली के सुभाष नगर में दो मजदूरों की आपस में लड़ाई के बाद एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की हत्या का प्रयास किया। पिंटू नाम के मजदूर ने दिनेश नाम के मजदूर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ट्रैक्टर सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को रौंद देता है, जिसके बाद कुछ लोग ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर से घसीट लेते हैं और फिर उसकी जमकर पिटाई करते हैं। दरअसल दिनेश और पिंटू मजदूरी करते हैं। सुभाष नगर इलाके में गुरुद्वारे के पास ये दोनों मजदूरी कर रहे थे। इसी दौरान आपस में इन लोगों की कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पिंटू ने ट्रैक्टर दिनेश के ऊपर चढ़ा दिया जिससे दिनेश गंभीर रूप से घायल हुआ। दिनेश को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। जब पिंटू ने दिनेश नाम के मजदूर पर ट्रैक्टर चढ़ाया तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने ट्रैक्टर चालक पिंटू को घसीट लिया और उसकी जमकर पिटाई लगा दी। ट्रैक्टर चढ़ाने से लेकर ट्रैक्टर चालक की पिटाई तक की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की जानकारी होने पर सुभाष नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा दिनेश। दिनेश क्या हुआ बताओ? जो हुआ था, हम आगे चल रहे थे, पीछे से उन्होंने टक्कर मारी। किसने मारी? पिंटू। क्यों मारी? पता नहीं भैया क्यों मारी। कहाँ पे मारी? अरे गुरुद्वारे के पीछे, सुभाष नगर गुरुद्वारा है उसके पीछे गली। क्या कर रहे थे वहाँ पे तुम लोग? मलवा भर रहे थे हम तो भैया। मलवा भर रहे थे? किस बात के पीछे लड़ाई हुई पता है? जी भैया हमें ना मालूम। जान से मारने के लिए ट्रैक्टर चढ़ाया था उनको? अब भैया कहाँ बताऊँगे, हम पते ना क्यों चला। कहाँ रहते तुम? मैं साबित्री नगर कॉलेज के पास में, तवेना। क्या नाम है मेरा? दिनेश नाम बताया, कितनी बार बताऊँ। एसपी सिटी का कहना है कि उन्हें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है जिनके आधार पर उन्होंने सुभाष नगर पुलिस को वीडियो की जांच करने को कहा। उनका कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं महज आपसी लड़ाई में एक मजदूर की जान पर बन आई और वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट। थाना सुभाष नगर में एक प्रकरण आया है जिसमें की एक फुटेज दिख रही है और उसमें एक ट्रैक्टर जो है एक व्यक्ति को उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए निकल रहा है और उसके बाद जो कुछ लोग हैं स्थानीय लोग और ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है उनके बीच में कुछ मारपीट भी हो रही है, वो भी फुटेज में आई है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर हम जांच कर रहे हैं तथ्यों की कि किन परिस्थितियों में और क्यों वो ट्रैक्टर जो है उस आदमी पर चढ़ गया और किस चीज़ों को लेकर वहाँ मारपीट हो रही थी। उन सारी चीज़ों को लेकर जाँच चल रही है और जाँच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गढ़ कोतवाली का मामला। NH 9 पर रात्रि करीब 12 बजे तेज रफ्तार से आ रहे तिलक साइड पर खड़े ट्रक में पीछे से जागुसी और गंभीर रूप से घायल मुरादनगर से बिजनौर जा रहे घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हापुर से अनुज चौधरी की रिपोर्ट। हरिद्वार की मीडिया और पुलिस विभाग ने महिला उप निरीक्षक अनिता शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संयुक्त रूप से पर्यावरण की रक्षा हेतु गंगा किनारे बनाए गए बगीचे में वृक्षारोपण किया। अनिता शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण दिन प्रतिदिन पर्यावरण दुष्प्रभावित हो रहा है, उसे देखते हुए धरती को पेड़ पौधों से सजाना होगा। गगन शर्मा ने कहा कि हमें पेड़ लगाने के बहाने तलाशने होंगे जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में प्रति वर्ष पेड़ लग सके। योगेश शर्मा ने कहा कि पर्यावरण में फैली अशुद्ध वायु को अधिक से अधिक पेड़ लगाकर ही शुद्ध किया जा सकता है। यातायात पुलिस से जितेंद्र थापा ने आश्वासन दिया कि वो ऐसे सभी सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वहाँ उपस्थित सभी ने अनिता शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर कनकल थाने से महिला उप निरीक्षक अनिता शर्मा, हरिद्वार ट्रैफिक पुलिस से जितेंद्र थापा, 24 आवर्स टुडे न्यूज से क्राइम डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा, हरिद्वार की गुंज से उत्तराखंड प्रभारी गगन शर्मा, कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल राजेश उपस्थित रहे। हरिद्वार से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य बीदर जिले के औराद तालुके के एकम्बा करक्यार गांव के बीच कमाल नगर रोड पर एक लावारिस लाश दिखने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। महाराष्ट्र राज्य के वागदरी निवासी चंद्रकांत निवृत्ति नवघरे तालुका देवनी जिला लातूर की हत्या करके शव फेंक दिया गया। औराद पुलिस PSI नाना गौड़ा पाटिल, CPI रमेश कुमार
मेलूरकर ने खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर वरिष्ठ को जानकारी देकर जांच की। DYSP एकन गौड़ा पाटिल के नेतृत्व में जांच पड़ताल की गई और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। मामला दर्ज कर पुलिस ने इस मामले को लेकर एक टीम गठित की है, जिसे जांच के लिए महाराष्ट्र रवाना किया गया। बीदर से रामदास पाटिल की रिपोर्ट।